न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, जो डालते हैं आज की हेडलाइंस। सरकार में बना रहूंगा, विधानसभा चुनाव के लिए काम शुरू किया फडणवीस। केंद्र में मंत्री बनने में रुचि नहीं श्रीकांत शिंदे। दो सांसदों के संपर्क में रहने के मस्के के दावे को उद्धव गुट ने नकारा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सरकार में बना रहूंगा, विधानसभा चुनाव के लिए काम शुरू किया फडणवीस। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश करने के कुछ ही दिन बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह काम करते रहेंगे। पार्टी की एक बैठक के बाद फडणवीस ने यह भी कहा कि फर्जी विमर्श ने एक और विपक्षी पार्टी के रूप में काम किया, जिसका सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को मुकाबला करना पड़ा। इस बैठक में राज्य के भाजपा विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर फडणवीस पर विश्वास जताया और आग्रह किया कि वह पार्टी के नेता बन गए। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा कि उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की उनकी पेशकश चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर भावनाओं से प्रेरित नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो भाग जाता है, मैं डट कर मुकाबला करता हूं। सभी तरफ से घिर जाने पर हम ताकत के साथ उठ खड़े हो सकते हैं। यही वह बात है जो हम छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखते हैं। आई बढ़ते की खबर। केंद्र में मंत्री बनने में रुचि नहीं श्रीकांत शिंदे। शिवसेना सांसद एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे ने शनिवार को कहा कि वह केंद्र में मंत्री बनने के इच्छुक नहीं है। श्रीकांत कल्याण लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीते हैं। पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ साथ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी हिस्सा है, जिसमें भाजपा भी शामिल है। कुछ पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें मंत्री बनाए जाने की मांग के बीच श्रीकांत शिंदे ने कहा कि कई अन्य सांसदों ने वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया है, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर मुख्यमंत्री मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं मंत्री बनना चाहता हूं तो मैं मना कर दूंगा। मेरी रुचि पार्टी का काम करने और उसे मजबूत बनाने में ज्यादा है। आई बढ़ते अगली खबर। दो सांसदों के संपर्क में रहने के मस्के के दावे को उद्धव गुट ने नकारा। थाने लोकसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित शिवसेना सांसद नरेश मस्के ने दावा किया है कि उद्धव ठाकरे गुट के दो सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट के संपर्क में हैं। यवतमाल वाशिम से उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय देशमुख ने मस्के के दावे को हास्यास्पद बताया। संजय देशमुख पत्रकारों से बातचीत में मस्के ने दावा किया कि नवनिर्वाचित सांसदों को उद्धव ठाकरे की भूमिका स्वीकार नहीं। उनमें से दो ने मुख्यमंत्री शिंदे से संपर्क किया। अयोग्यता के मुद्दे के चलते छह सांसदों की संख्या जुटाकर शिंदे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने की तैयारी इन सांसदों ने की है, लेकिन यवतमाल वाशिम ठाकरे सांसद संजय देशमुख ने कहा कि मस्के का दावा हास्यास्पद है और महाराष्ट्र ने देखा है कि गद्दारी करने वालों का क्या हश्र होता है। देशमुख ने यह भी कहा कि राज्य की जनता में भारी गुस्सा है और वे विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़।